ये वीडियो बेसिकली एक प्रॉब्लम के ऊपर है, क्योंकि आज एक बच्चे ने मेरे पास अप्लाई किया था कि ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन मैं अपनी जो डिग्री का कोर्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैंने जितना भी कंप्लीट किया है उसके बदले मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए या डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाए। तो इसी बारे में बात करने जा रहा हूँ कि बेसिकली कंडीशन क्या है। देखिए, जब से हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 से, तो उसमें एक प्रोविज़न है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाता है बट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स उसको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री और डिग्री विथ ऑनर्स मिलेगा। एज पर NAP डिस्कस किया गया है कि जो इस सेमेस्टर है उसमें मिनिमम हर स्टूडेंट को पास करने के लिए 18 से 20 क्रेडिट अर्न करना पड़ेगा। अगर दो सेमेस्टर हैं तो 36 to 40, सेम सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के लिए 70 to 80 क्रेडिट, थर्ड ईयर के लिए 108 to 120 क्रेडिट एंड चार साल के कोर्स के लिए मिनिमम 144 से लेकर 160, उससे भी ज़्यादा क्रेडिट हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके करिकुलम पे। तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो किसी कोर्स में है, अगर वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेता है, मींस उसने अगर 36 से लेकर 40 क्रेडिट तक मिनिमम अर्न कर लिया है, तो वो एलिजिबल है कि उसे कोई एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने दो साल कंप्लीट कर लिए हैं तो वो स्टूडेंट एलिजिबल है कि वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट ले सकता है। अगर तीन साल किया है तो डिग्री ले सकता है, अगर चार साल किया है तो वो ऑनर्स की डिग्री ले सकता है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज आपने बीटेक में एडमिशन किया है, इन केस आपने एक साल कंप्लीट कर लिया है, अब आप उस कोर्स को छोड़ना चाहते हैं, तो अगर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी ने NAP इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो एज पर NAP एक साल कंप्लीट होने के बाद आपको उस प्रोग्राम का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मींस सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल इंजीनियर, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इस तरह से। अगर आपने दो साल कंप्लीट कर लिया है, कोर्स कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं हमेशा के लिए, देन आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन मैकेनिकल, जो भी आपका प्रोग्राम है, उसमें मिल जाएगा। अगर आपने तीन साल कंप्लीट किया है तो उसकी डिग्री मिलेगी, अगर आपने चार साल कंप्लीट कर लिया है तो फिर बीटेक की आपको डिग्री मिलेगी, चाहे ये प्रोग्राम कोई भी हो। अगर आपने BSc में लिया है या MBA में लिया है, अगर किसी भी प्रोग्राम में आपने लिया है, तो एज पर टाइम और एज पर ऑन क्रेडिट आपको सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री मिल सकता है। कंडीशन यही है कि जो भी आपका इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है उन्होंने NAP को इम्प्लीमेंट किया हो। अगर उन्होंने NAP को इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो इस प्रोविज़न का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो NAP की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं किसी न किसी कॉलेज में, मीन्स आप एलिजिबल हैं टू गेट समथिंग, लेकिन मिनिमम एक साल होना चाहिए फॉर सर्टिफिकेट, दो साल फॉर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, तीन साल डिग्री के लिए और चार साल डिग्री विथ ऑनर्स।